बिंदी, बिंदी बाप को याद करने वाली सभी बिंदियों को गॉडली मॉर्निंग। ज्योतिर्बिंदु परम पिता परमात्मा सतगुरु परम धाम से आकर हम आत्म ज्योतियों को जागृत करते हैं और अब हमारा काम है ज्योत से ज्योत जगाते चलो, अज्ञान अंधकार मिटाते चलो और फिर हो जाएगा सतयुगी स्वर्णिम उजियारा। बाबा आज राम, रावण, हिटलर, मैसूर के महाराजा सबकी कहानी सुनाते हैं। हम पर जो राहु का ग्रहण लगा है वो कैसे दूर होगा जब बृहस्पति की दशा बैठती है, तो राहु का ग्रहण समाप्त हो जाता है। तो सतगुरु आ चुके हैं, हमें वरदान भी दे रहे हैं, तो पुरुषार्थ करके हमें प्रालब्ध बनानी है, सबको राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला तक लाना है। आज तारीख है 2 सितंबर 2023। तो दो बाप की पहचान, उनका कॉन्ट्रास्ट सबको बताना है, रूहानी और जिस्मानी। सुनते हैं शिव भगवान वाच। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी ज्योति जगी है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना। बृहस्पति की दशा बैठने से तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। बाबा कहते हैं तुम्हारी ज्योति जगी है, ज्ञान मिल गया है, समझ आ गई है। ज्योति जगना अर्थात बृहस्पति की दशा बैठना, माना बृहस्पति सतगुरु उनकी कृपा हम पर हुई है। बाबा कहते हैं उससे क्या होता है, हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। तो चेक करना है हमारी ज्योति अब सदा जगी हुई रहती है, बुझ तो नहीं जाती बीच बीच में, तो सदा जागृत रहना है। प्रश्न है सतयुग में हर घर की विशेषता क्या होगी, कलयुग में हर घर क्या बन गए हैं। अभी इस समय कलयुग में घर घर क्या है और सतयुग में हर घर कैसा होगा। उत्तर में बाबा कहते सतयुग में हर घर में खुशियां होंगी, सबकी ज्योति जगी हुई होगी क्योंकि वहां आत्म अभिमानी अवस्था है। कलयुग में तो घर घर में गमी चिंता है ना, कलह क्लेश लड़ाई झगड़ा गम दुख चिंता है, हर घर में अंधियारा है, किसी में भी समझ नहीं है। आत्मा की ज्योति उझाई हुई है, ऑलमोस्ट बुझी हुई ही है। बाप आए हैं अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने, जिससे फिर घर घर में दिवाली होगी, माना ज्ञान सागर ज्ञान लुटाने आए हैं, हमें समझ देने आए हैं। तो बाबा अपनी ज्योति से सबकी ज्योति जगाने आए हैं, कहते हैं ना दीप से दीप जलाते चलो, तो फिर क्या होगा, उससे घर घर में दिवाली होगी। आत्म ज्योति जगी होगी तो सदा दिवाली सदा खुशियां। गीत बजा माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। बच्चों ने माँ की महिमा सुनी, यूं वास्तव में उपमा तो एक की ही होती है। माँ को भी जगत अम्बा बनाने वाला जन्म देने वाला फिर भी कोई और है, ऐसी माँ को भी जन्म किसने दिया। उदाहरण तो एक का ही दिया जाता है ना, तो जगत अम्बा की बात है तो ऐसी माँ को किसने जन्म दिया। कहेंगे पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव ने दिया, फिर भी महिमा हो जाती है एक ही ज्ञान सागर पतित पावन परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। वह बैठ बच्चों को अपना और अपनी रचना के आदि मध्य अंत का और पतितों को पावन बनाने का राज समझाते हैं। यह तो बच्चे समझ गए हैं इस समय पतित राज्य है जिसको रावण राज्य कहा जाता है। अभी दशहरा आता है ना, रावण के बुत को जलाने का त्यौहार, रावण को जलाने का त्यौहार दशहरा। यह तो समझाया गया है यह सब अंधश्रद्धा के उत्सव हैं, ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था लंका थी। ये तो कहानी बनाई है ना, रावण कौन, हमारे विकार, पांच स्त्री के पांच पुरुष के, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और भी
ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, भय, घृणा अपने चुन लें 10, तो रावण है सबके अंदर, तो वो जलाना है, भस्म करना है, खत्म करना है। तो बाबा कहते हैं ऐसे तो कोई है नहीं कि एक रावण था, लंका थी, लंका सिलोन को कहा जाता है। दिखाते हैं वहाँ सागर पर बंदरों ने पुल बनाई। वास्तव में यह सब हैं दंत कथाएं। ऐसे तो है नहीं कि 10 शीश वाला कोई रावण था, लंका में राज्य करता था। फिर तो उनकी एफिजी लंका में ही जलानी चाहिए। रावण को जलाने का भारत में ही रिवाज है, और कोई जगह नहीं जलाते। तो ये पॉइंट है ना समझाने का, यदि वो लंका में था तो फिर भारत में क्यों जलाते हैं। अखबार में भी यहाँ के लिए ही पढ़ता है, ये लिखते ना कि भारत में दशहरा मना रहे हैं, तो सबसे जास्ती उत्सव मैसूर का महाराजा मनाते हैं। उनका शायद इस दंत कथा से प्रेम दिखाई पड़ता है। रावण का बुत बनाते बहुत धूमधाम से दशहरा मनाते हैं। तो अब इस पर समझाना तुम बच्चों का काम है। एफीजी तो दुश्मन का बनाकर जलाया जाता है, जैसे आगे हिटलर का एफीजी बनाकर जलाते थे। इतिहास में है ना कि हिटलर को नहीं पसंद करते थे तो उसका भी बुत बनाकर, उसका भी चित्र बनाकर जलाते थे। दुश्मन तो बहुतों के होते हैं। अब रावण किसका दुश्मन था? भारतवासियों का दुश्मन था, परंतु दुश्मन को भी एक बार जलाया जाता है। ऐसे तो कोई भी नहीं करते जो हर वर्ष दुश्मन का एफिजी बनाकर जलाते। हर वर्ष बुत बनाकर जलाते हैं क्या? दुश्मन का एफिजी तो बनाते हैं, परंतु वर्ष वर्ष तो नहीं जलाते। यह रावण फिर कौन है जिसका भारत में बहुत समय से 10 शीश वाला एफिजी बनाकर जलाते रहते हैं? यह दुश्मन कब से हुआ है जो मरता ही नहीं, जलता ही नहीं, मरता ही नहीं? आखिरीन खत्म होगा या सदैव रहेगा ही, हमेशा के लिए रहेगा? तुम बच्चे जानते हो भारत ही पवित्र था, फिर भारत को ही रावण ने अपवित्र बनाया है। अभी रावण राज्य है, अगर लंका का राजा था तो रानी भी होगी। तुम तो यह बातें मानेंगे नहीं। रावण अभी तक जीता है वह क्या कुछ भी समझते नहीं? रावण अभी भी जिंदा है क्या? तो समझते नहीं हैं। जीता है फिर उनकी एफिजी बनाकर जलाते रहते। एक बार जलाया फिर क्या हुआ, हर वर्ष जलाते रहते हैं। तो तुम बच्चों को समझाना चाहिए। कमेटी के बड़े जो बनते हैं, जैसे मैसूर का महाराजा है, वह बहुत मनाते हैं, फॉरेनर्स को भी देखने के लिए बुलाते हैं। समझेंगे शायद ऐसा हुआ होगा, सच्ची कहानी है, रावण को जलाते हैं, समझते हैं, फॉरेनर्स को भी बुलाते हैं, विदेशी मेहमान आते हैं भारत का त्यौहार देखने, कैसे उत्सव मनाते हैं। तो बाबा कहते समझते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा, परंतु ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, नाटक बना देते हैं, रावण का भी नाटक बनाते हैं। देखो रामलीला भी करते हैं ना। तो इस रावण की बात पर समझाना है, बड़ी जबरदस्त बात है। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो, पतित दुनिया को ही रावण राज्य कहा जाता है। अभी राम राज्य और रावण राज्य का राज तुमको समझाया गया है। रावण 5 विकारों को कहा जाता है और कोई नहीं है। तो जो अंदर बैठा है ना रावण, हर आत्मा के अंदर जो रावण है उसको भस्म करना है। जो विकार है, जो गंदगी है, कमी कमजोरी है, अवगुण है, उनको जलाना है, उनको भस्म करना है। तुम समझ गए हो रावण का राज्य अभी भारत में है, भारत में ही दशहरा, दीपमाला आदि मनाते हैं। तो समझाना पड़े, अगर रावण जीता है तो रावण राज्य ठहरा ना। रावण है पतित बनाने वाला। तुम जानते हो 5 विकार जो कि इस समय सर्वव्यापी हैं, उनको ही रावण कहा जाता है। रावण के चित्र तो आगे दशहरे में निकले थे, इसमें तिथि तारीख भी डालनी पड़े। इस समय पतित का विनाश और पावन की स्थापना होती है। तुम पतित से पावन बन रहे हो,
पावन बन जाएंगे, फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी। तिथि तारीख अब डाल सकते हैं ना कि कब से कब तक रावण और कब से कब तक राम राज्य। तो बाबा कहते हैं कि जब पावन बन जाएंगे फिर रावण संप्रदाय को आग लगेगी, रावण खत्म हो जाएगा, फिर सतयुग में कोई एफिजी नहीं बनानी पड़ेगी, सब पावन बन जाएंगे। आत्मा में सतो प्रधानता की जब ताकत थी तो जागती ज्योत थी, पतित बनने से वह ज्योत उजा गई है, आत्मा ही पतित बनी है, उड़ने की ताकत नहीं है। भारी हो गई आत्मा, उड़ ही नहीं सकती। पांच विकारों से आत्मा आयरन एजेड बन गई है, यह जरूर समझाना है। आत्मा को जागृत करने वाला एक बाप है, यह तो सब कहते हैं। ज्योति स्वरूप परमपिता परमात्मा आएगा। अब ज्योति स्वरूप तो तुम आत्मा भी हो, परमपिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है। सुनी ना फल की मुरली, बिंदी आत्मा बिंदी परमात्मा बिंदी ज्योति स्वरूप। तुम्हारी आत्मा की ज्योति बुझ गई है, बाकी जाकर जरा सी रही है, थोड़ी सी है, टिमटिमा रही है, हल्की सी चिंगारी है बस। मनुष्य मरते हैं तो रात दिन उनका दीवा जलाते हैं, दीवे की बहुत संभाल करते हैं, घृत खत्म हो जाता है फिर और डालते हैं, अखंड दिया जलाते हैं ना। आत्माओं का भी ऐसे है, बाप आकर सबकी ज्ञान से ज्योति जगाते हैं। ज्योति जगी हुई कितना समय चलती है, वह तो रात को जलाते हैं फिर घृत डालते जाते हैं। तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, तो बाबा के साथ रहेंगे, ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, ब्राह्मण जीवन के नियम मर्यादाएं फॉलो करते रहेंगे तो ज्योति जगी रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि वह रात को जलाते हैं फिर घृत डालते हैं, तुम्हारी अब ज्योति जग रही है, जगते जगते फिर जग ही जाएगी। ज्योति बुझने में 5000 वर्ष लगता है, फिर बाप आकर घृत डालते हैं, तुम्हारी अब ज्योति जगी है, फिर धीरे धीरे कला कम होती जाएगी, ज्योति उझाई जाएगी, धीरे धीरे चमक रोशनी कम होती जाती है। तुम जानते हो अभी हमारी ज्योति जगती है, फिर सतयुग में घर घर में सोझरा होगा, प्रकाश ही प्रकाश। भारत की ही बात है, अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं, भले ही अभी सबसे ज्यादा बल्ब लाइट्स रोशनी जलते हो, कितने भी वॉट के हैलोजन बल्ब जलते हो, लेकिन मन में अंधकार है, देखो दुख है, खुशी है नहीं। क्या कहा जाता है, पहले कहते थे ना कि घर घर में महाभारत है, देखो अभी तो मन मन में महाभारत है। कोई भी आत्मा खुश है, सदा खुश है, कभी खुशी कभी गम है। तो बाबा कहते हैं अभी तो घर घर में अंधियारा है, खुशी है नहीं। तुम जानते हो सतयुग त्रेता में हम बहुत खुश थे और खुशी मनाते थे, सभी की ज्योति जगी हुई रहती है फिर थोड़ी थोड़ी कमती होती जाती है, इस समय तो बिल्कुल उझाई हुई है, ऑलमोस्ट मतलब बुझने ही वाली थी, बुझी जाती, लेकिन उसके पहले बाबा आ गए और फिर से देखो जागृत कर दिया। तो बाबा कहते हैं क्यों ऐसा हुआ, खाद पड़ी हुई है, बाप आकर फिर ज्ञान का घृत डालते हैं जिससे तुम फिर जागती ज्योत बन जाते हो, तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तीसरा नेत्र, ज्ञान का तीसरा नेत्र। तो अब क्या करना है, चर्म चक्षुओं को विश्राम देना है, बहुत जन्म हमने यूज किया है ना, अब ज्ञान चक्षु मिले हैं, तीसरा नेत्र मिला है, तो इसी को ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। बाबा ज्ञान का घृत डालते हैं और हम जागती ज्योत बन जाते हैं, तो अब ज्योत से ज्योत जगानी है, सच्ची दिवाली मनानी है, घर घर में उजियारा। तुम जानते हो अभी हमारी सारी काया खलास हो गई है, राहु का ग्रहण लग गया है, कौन सी काया, काया कल्प कहते हैं ना, माना सारे गुण जो हैं वो अवगुण में बदल गए हैं, सारी विशेषताएं खत्म हो गई हैं, सोना क्या हो गया है, लोहा बन गया है। तो राहु का ग्रहण लग गया है,
तुमको काला होने में कितना समय लगता है? पहले कंचन का आया थे ना, तन भी कंचन मन भी कंचन, और अभी देखो सब कुछ काला ही काला, धन भी काला, तन भी काला, मन भी काला। तो कितना समय लगता है? शुरू से लेकर थोड़ा थोड़ा होते, फिर माया का प्रवेश होने से ही बहुत काले बन जाते हो। अभी तुम्हारे ऊपर राहु की दशा है, सबसे कड़ी है राहु की दशा। अभी फिर बृहस्पति की दशा बैठती है, क्योंकि अभी विश्व का मालिक बनने के लिए तुम वृक्षपति गुरु द्वारा पुरुषार्थ कर रहे हो। तो सद्गुरु है ना वृक्षपति, ये जो मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, बाबा इसके बीज हैं, मालिक हैं, वृक्षपति है। तो सतगुरु बृहस्पति की दशा, बाबा हमें वरदान देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो फिर हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। वह है अविनाशी गुरु, किसका? अविनाशी आत्माओं का। वह मनुष्य लोग आत्माओं का गुरु नहीं बनते हैं, वह मनुष्य का गुरु बनते हैं। अभी बाप तुम्हारी आत्माओं का गुरु आकर बने हैं। वृक्षपति परमपिता परमात्मा है। तुम समझते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा है। अनुभव होती है सबको बृहस्पति की दशा, बाबा का हाथ सर पर अनुभव करते हैं। स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे, अब बृहस्पति की दशा है तो हम स्वर्ग के मालिक तो बनेंगे। अविनाशी सुख रहता है, परंतु उसके लिए पुरुषार्थ अब करना है कि हम सुखधाम के महाराजा महारानी बने। पुरुषार्थ तो हर एक का अपना चलता है। अब पढ़ाई तो बाबा एक जैसी पढ़ाते हैं, लेकिन जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा अपना भाग्य बनाएगा। तो यह है रुद्र शिव की पाठशाला। तो किसकी पाठशाला में हम बैठे हैं? भगवान की पाठशाला में। यह है रुद्र शिव की पाठशाला। कौन है वो? ज्ञान का सागर। वह है ज्ञान सागर। तुम उनकी पाठशाला में पढ़ रहे हो। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। अविनाशी आत्माओं का अविनाशी बाप मैं हूँ। एक है जिस्मानी बाप, एक है रूहानी बाप। दोनों कॉन्ट्रास्ट भी बताना है। जिस्मानी बाप तो सब जानते हैं ना, तो सबको रूहानी बाप का परिचय देना है, अंतर भी बताना है कि जिस्मानी बाप होते हुए भी सब रूहानी बाप को याद करते हैं। तो रूहानी बाप कब मिलते हैं? जिसको भक्ति मार्ग में सभी रूहें याद करती हैं। जिस्मानी बाप तो है विनाशी, आत्माएं तो विनाशी नहीं होती हैं। तुम जानते हो हमारा जो लौकिक बाप है, वह तो जन्म बाई जन्म हम बदलते आए। तो बाबा कहते हमने जितने शरीर लिए, जितने जन्म लिए, उतने बाप बदलते आए। तो लौकिक बाप जो है वह हम जन्म बाई जन्म बदलते आए। बाप बिगड़ तो बच्चे का जन्म हो नहीं सकता। तुम बच्चों को अब विशाल बुद्धि मिली है, तुम समझ सकते हो कि कब से हम दो बाप वाले बनते हैं। सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, उनको ही याद करते हैं। आत्माओं को उस रूहानी बाप को याद करने की दरकार नहीं रहती। सतयुग में एक ही बाप, और द्वापर से हम क्या करते हैं, फिर दूसरे बाप को भी ढूंढते हैं। और संगम युग में देखो हमें तीन बाप मिल जाते हैं, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। तो बाबा कहते हैं आत्माओं को सतयुग में तो एक ही लौकिक बाप होता है, वहाँ शरीर भी गोरा मिलता है, प्रालब्ध भोगते हैं ना, इसलिए वहाँ बाप को याद नहीं करते। तो तुमको यह समझाना है, भक्ति मार्ग में एक है विनाशी लौकिक बाप, वह तो हर जन्म में दूसरा मिलता है। तुम आत्मा तो अविनाशी हो, अविनाशी बाप को याद करती हो। कहते भी हैं परम पिता परम धाम में रहने वाले पिता। लौकिक पिता को कभी परम पिता नहीं कहेंगे। तो यह दो बाप का राज समझाना बहुत जरूरी है। रावण का राज भी समझाना है। रावण राज्य अर्थात पतित राज्य अभी है, इसलिए पतित पावन बाप को बुला रहे हैं। वह अविनाशी बाप है। दो बाप जरूर सिद्ध करने हैं। आत्माओं का भी बाप है,
इसलिए पारलौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। हर जन्म में लौकिक बाप और मिलता है, फिर भी उस रूहानी बाप को जरूर याद करते हैं, वह कभी बदलता नहीं। भगवान को तो सब याद करते हैं, तो बाप भी कहते हैं बरोबर तुम मुझे याद करते थे। कैसे याद करते थे? हे परमपिता परमात्मा, कब तक तुमको याद करना है, फिर बाप कब मिलता है, यह तुम अभी जान गए हो। जब भक्ति का अंत होता है तब भक्तों को फल देने बाप आते हैं। तो भगवान भक्तों को भक्ति का फल देने आते हैं। क्या है भक्ति का फल? भगवान आकर देते हैं ज्ञान, ज्ञान से मिलती है सदगति। तो बाप ने समझाया है, सभी भक्तों को मुक्ति जीवन मुक्ति देता हूँ। तुम जानते हो सतयुग में एक ही धर्म होता है, उसको वननेस कहेंगे, है ना? एक, सब कुछ एक, ड्युअलिटी नहीं है ना, अद्वैत है, द्वैत नहीं है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, तो सब कुछ एक है। कहते हैं सभी मिलकर एक हो जाएं, परंतु सभी धर्म तो एक हो नहीं सकते। देखो अब तो एक ही धर्म में कितने विभाजन हो गए हैं, तो सब मिलकर एक हो तो बाबा कहते ये तो हो नहीं सकता। जब एक राज्य हो जाता है तो पवित्रता सुख शांति रहती है। भारत में राम राज्य था जरूर, अभी यह रावण राज्य है, इसलिए रावण को जलाते रहते हैं। तो दो बाप का राज समझाने से झट समझ जाएंगे। अविनाशी बाप तो जरूर है, नई दुनिया रचने वाला बाप ही है। नई दुनिया में बरोबर देवी देवताएं ही थे, फिर वही दुनिया नई से पुरानी होती है। नई दुनिया में कितने जन्म लेते, पुरानी दुनिया में कितने जन्म लेते, यह तुम जानते हो। ऐसे भी नहीं कि 84 जन्मों के आधा होने चाहिए, 42 जन्म पुरानी दुनिया में, 42 जन्म नई दुनिया में, नहीं, ऐसे 50-50 नहीं होता। बाबा ने बताया ना 8, 12, 21, 42, तो 21 जन्म और 63 जन्म की बात है। तो भारतवासियों की आयु पहले 100 वर्ष 125 वर्ष थी, अभी तो 40-50 वर्ष भी मुश्किल चलती है, तो आधा आधा हो न सके। 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। बाप कहते हैं तुम्हारा 84 जन्मों का चक्र अब पूरा हुआ, तुम नहीं जानते हो। हम समझाते हैं 84 जन्मों का राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई समझा ना सके। तुम बाप से सुनकर खुश होते हो और फिर नई दुनिया के लिए पुरुषार्थ करते हो। बाप से मुरली सुनकर खुशी होती है, अपनी कहानी सुनकर खुशी होती है, फिर पुरुषार्थ कर रहे हैं ऐसा। अब यह बच्चों को सिद्ध कर बताना है कि हम अभी बेहद के पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह बाप आते ही तब हैं जब स्वर्ग की स्थापना करते हैं। उनको कहा ही जाता है हेवेनली गॉड फादर। जब नए घर की स्थापना होती है तब पुराने घर को तोड़ा जाता है। लिखा हुआ भी है स्थापना फिर विनाश। स्थापना जब पूरी हो जाएगी तब विनाश होगा। स्थापना करने वाला है परमपिता परमात्मा इस ब्रह्मा द्वारा। यह भी बाबा ने समझाया है सूक्ष्म वतनवासी को तो प्रजापिता नहीं कहेंगे, वहाँ प्रजा होती नहीं, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ होगा। वही फिर अव्यक्त संपूर्ण बनेगा, वह तो है अव्यक्त, जरूर व्यक्त भी चाहिए जो फिर अव्यक्त होना है। देखो बाबा तो इशारा दे रहे थे कि ब्रह्मा बाबा भी अव्यक्त होने वाले हैं, संपूर्ण बन रहे हैं, बन जाएंगे। तो बाबा कहते दोनों अभी दिखाई पड़ते हैं। दादी गुलजार को ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप सूक्ष्मतन में दिखाई दिया ना, तो फिर उसी हिसाब से बाबा ने देखो पुरुषार्थ किया और फिर अव्यक्त हो गए, संपूर्ण हो गए। तो साकार मुरली में पहले से ही बाबा इशारा दे रहे थे। तो बाबा कहते
प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ भी है, सूक्ष्म वतन में भी है। प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही हैं। लेकिन बाबा तो हमारा संपूर्ण स्वरूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं, इमर्ज करते हैं, तभी तो कहते हैं ना कि तुम्हें भी वैसा ही बनना है। तो हम ये भी योग में अनुभव कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता तो यहाँ चाहिए, जरूर प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भी यहाँ ही हैं। प्रदर्शनी में दो बाप का राज समझाना है। कायदा तो है एक एक को अलग अलग समझाया जाता है, अब वहाँ किसको कैसे समझाएंगे? समझाने के लिए तो एकांत चाहिए। कई तो प्रदर्शनी में ऐसे घुसते हैं, इस गेट से घुसे और दूसरे से कब निकल गए पता ही नहीं, पूछो कहाँ है तो पता चला वो तो बाहर निकल गए वहाँ से। तो बाबा कहते हैं कि समझाने के लिए तो एकांत चाहिए, वहाँ तो बहुत हंगामा होता है, भीड़ आती है तो एक साथ आती है ना, यहाँ तो तुमको एक डेढ़ घंटा लग जाता है समझाने में, वहाँ इतनी भीड़ में तो समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन फिर भी जिनको प्रदर्शनी थोड़ी अच्छी लगती है तो फिर वो आके अलग से समझते हैं। तो जो इस कुल का होगा उसको खींच तो होगी ना। तो बाबा कहते हैं वहाँ भीड़ में समझाना तो मुश्किल है, अनेक प्रकार के धर्म वाले हैं, कोई क्या कहेंगे कोई क्या, चुप कर तो बैठेंगे नहीं, सुनते हैं तो फिर प्रश्न पूछते हैं। तुम सुनाएंगे एक लौकिक जिस्मानी बाप है, दूसरा पारलौकिक रूहानी बाप है, वह है परमपिता परमात्मा। अब ब्रह्मा द्वारा स्थापना कर रहे हैं स्वर्ग की, नर्क का विनाश भी सामने खड़ा है, महाभारी लड़ाई है ना। तो विनाश की तैयारी तो सामने देख ही रहे हैं, महाभारी लड़ाई चलती भी है, और भी लगनी है, और तेज होनी है। बरोबर यह राजयोग भी है, राजाई प्राप्त करने की गीता पाठशाला है। तो एक तरफ देखो बाबा की गीता पाठशाला और एक तरफ पुरानी दुनिया, नर्क का विनाश सामने है ना बिल्कुल। तो भगवान उवाच, सभी को दो बाप हैं, श्री कृष्ण को सभी आत्माओं का बाप नहीं कहेंगे, सब धर्म वाले तो श्री कृष्ण को नहीं मानते, आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं कि मामेकम याद करो। सब आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा, और वही कहते हैं कि मुझ एक को ही याद करो। कैसे याद करो? पर बाबा ने कहा ना बिंदी समझ, बिंदी बाप को याद करो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, स्वयं में ज्ञान का घृत डालते सदा जागती ज्योत रहना है, बाप की याद में रह राहु का ग्रहण उतार देना है। दूसरा, रूहानी और जिस्मानी दो बाप हैं, यह पहचान हर एक को देकर बेहद के वर्षे का अधिकारी बनाना है। वरदान है प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। प्रवृत्ति में रहते एक बाप के साथ कंबाइंड रहने वाले देह के संबंधों से निवृत्त भव। बाप दादा समझाते हैं, प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। कल भी बाबा का फरमान था ना कि गृहस्थ में रहो लेकिन आग न लगे, पवित्र रहो। कैसे पवित्र रहेंगे, कैसे आग से बचे रहेंगे? जब हम बाबा की याद में रहेंगे, बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो देह के संबंधों से निवृत्त रहना आसान हो जाएगा। तो प्रवृत्ति में अगर पवित्र प्रवृत्ति का पाठ बजाना है तो देह के संबंधों से निवृत्त रहो। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई भाई है तो स्त्री पुरुष कहाँ से आए? भाईचारा कहते हैं ना, तो फिर आत्मा आत्मा भाई भाई, तो कैसे स्त्री कैसे पुरुष? युगल तो आप और बाप हो, आप किसके युगल हो? स्त्री या पुरुष के या बाप के? तो बाबा कहते हैं युगल तो आप और बाप हो, यह तो निमित्त मात्र सेवा अर्थ है, बाकी कंबाइंड रूप में आप और बाप हो।
सेवा के लिए या जो भी है गृहस्थी, बाबा कहते हैं तो निमित्त मात्र है ना, सेवा अर्थ है, बाकी युगल कौन है, किसके साथ कंबाइंड रहना है, बाप के साथ। तो आप और बाप ऐसा समझकर चलो, तब कहेंगे हिम्मतवान विजयी आत्मा। जब ऐसा समझ लें कि बाबा हमारा युगल है, सदा उनके साथ कंबाइंड रहें, तब कहा जाएगा हिम्मतवान विजयी आत्मा। स्लोगन है, सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। सदा संतुष्ट और सदा खुश रहने वाले ही खुश नसीब तीव्र पुरुषार्थी हैं। क्या पुरुषार्थ करना है? कुछ नहीं करना, सदा संतुष्ट सदा खुश रहें, यही सबसे अच्छा पुरुषार्थ है। तो सदा खुश कैसे रहेंगे, संतुष्ट कैसे रहेंगे, जब बाप के साथ कंबाइंड रहेंगे, तो आप और बाप। तो ये थी आज की साकार मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बृहस्पति की दशा। बहुत लकी हैं हम, भाग्यवान हैं कि राहु की दशा हमारी उतर गई, उतर गई ना, बृहस्पति की दशा बैठी है ना, ज्योति जग गई। दूसरा, ज्योति जगी है कैसे, ज्ञान घृत डालते हैं बाबा आकर, तो ज्ञान चक्षु खुले हैं, तो सदा खुले ही रहें। तीसरा, रूहानी जिस्मानी ये दो बाप, इनका परिचय सबको देना है, अंतर बताना है। चौथा, बाप के साथ कंबाइंड, आप और बाप। पांचवा, तीव्र पुरुषार्थी, तो सदा संतुष्ट सदा खुश रहना है। ओम शांति।